देखिए मेरे ख्याल से क्योंकि ये सारी चीज़ें हम तकरीबन ऑनलाइन कर चुके हैं, मैं आपको पहली दफ़ा बताऊं जो आपने भी बताया, इससे मुझे एक और चीज़, हमने जो ACR की है, ये ज़रा नंबर सुन लें आप सर, ACR हमने ऑनलाइन की ना पहली दफ़ा इस साल, 3,40,000 लोग अपनी ACR जमा करवा चुके हैं ऑनलाइन पहली दफ़ा। आई मीन कभी सोचा भी किसी ने नहीं था। और मेरे ख्याल से 15,000 से 20,000 लोग, 30,000 लोग रह गए, उनके लिए हम थोड़ी सी एक्सटेंशन दे रहे हैं, मगर पहली दफ़ा ये हुआ। आप देखना कि लीव इन कैशमेंट का भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप देखना, ये सारे सिस्टम्स जो है ना, जब ये एक दफ़ा चल पड़े, जिस तरह मैं सबको ये कहता हूँ कि जो हेल्थ कार्ड है, जिस तरह हेल्थ कार्ड का लोगों को तब पता लगेगा जब वो यूज़ कर चुके होंगे। आप किसी को हेल्थ कार्ड पकड़ा दो, उसको कोई पता नहीं समझ आता, वो कहता ठीक है हाँ जी दे दिया बड़ी मेहरबानी, मगर जब उसकी फैमिली गुजरेगी ना, आज से एक साल के बाद आपको पता लगेगा हेल्थ कार्ड का क्या फायदा हुआ है, ये ACRs का क्या फायदा हुआ है। जिस तरह अब लोगों को समझ आती है ट्रांसफर की, जो हमने 2 साल पहले की थी, अब लोगों को पता है कि उसका क्या फायदा है। मुझे जिन जिन लोगों ने आके मुझे कहते हैं ना कि जी हमें आना नहीं पड़ा, करना नहीं पड़ा, खुद ही हो गई, मैरिट पे हो गई, आई मीन उसका फिर आप सोच भी नहीं सकते कितना। सो ये चीजें हो जाएंगी, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, मगर मैं ACR की वजह से इतना खुश हूं इस दफा कि 90% लोगों ने अपनी ACR ऑनलाइन जमा करवाई। और उसका फायदा क्या है, दो ऑफिसर्स हैं, अगर लेट्स से एक एक ए के पास जाना है फिर बी के पास जाना है, अगर ए ऑफिसर ने ACR को ना आगे चलाया ना, कि रिश्वत का इंतजार करता रहा कि पैसे देगा तो फिर टीचर पैसे देगा फिर मैं आगे चलाऊंगा, वो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगी दूसरे ऑफिसर के पास और ऑफिसर ए की रिपोर्ट हो जाएगी। सो आप ये देखें कि उसको रिश्वत खिलाने की जरूरत नहीं, उसको एक हफ्ता इंतजार करने की जरूरत है सिर्फ। सो दैट इज आई मीन ऐसे सिस्टम्स इंशाल्लाह ताला लेकर आ, ये इन प्लेस हो जाएंगे कि आप देखना जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी जेल में डालेंगे। सो इसलिए मगर ये है कि मैं आपको ये चीज बता दूं, और मैं सब जितने टीचर्स हैं उनको एक मैसेज जरूर देना चाहता हूं, और ये मैं इंशाल्लाह ताला हर दफा ये मैसेज दूंगा कि जो चीजें, जो आसानियां हम उनके लिए पैदा कर रहे हैं और जो हमने की हैं और जो हमने आगे भी करनी है, अगर कभी भी कोई इसको बदलने की कोशिश करे ना, तो इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि ये आपकी आसानी है, ये आपके लिए किया जा रहा है, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाया जा रहा है ताकि आप वो करें जिसके लिए आपको हायर किया गया है, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो मेरा टीचर से ये होगा कि कभी भी जो सिस्टम्स हम इस वक्त जगह पर आपके लिए लगा रहे हैं और जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी आसान हो रही है, कभी भी इनको कोई छेड़ने की कोशिश करे, चेंज करने की कोशिश करे, इनको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करे, आपने आवाज जरूर उठानी है। बहुत शुक्रिया। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूं टीचर्स को कि कभी भी कोई छेड़े, मैं भी इनको ऊपर नीचे करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे खिलाफ भी आवाज जरूर उठाए। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जितना लोग इंतज़ार करते हैं ना कि पब्लिक स्कूल के टीचर की जॉब का, मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल में तो कुछ भी पैसे नहीं दिए जाते, बड़े लिमिटेड प्राइवेट स्कूल हैं जो कि कोई अच्छी पे कर रहे होंगे, जितनी अच्छी पे पब्लिक स्कूल के टीचर की है, मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल का टीचर उसके करीब भी नहीं है अगर आप नंबर्स पर जाएँ, क्योंकि गिनती के प्राइवेट स्कूल कोई अच्छी पे कर रहे होंगे, मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल जो है वो उतना अच्छा पे नहीं कर रहा जितना पब्लिक स्कूल का टीचर अच्छा पे हो रहा जी। जी बिल्कुल, वज़ीर आला ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।